तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे। सो गाइस आज की इस वाले वीडियो में अपन बात करेंगे कि गाइस आप कुछ इस टाइप की नेम आर्ट वीडियो आप कैसे बना सकते हो, बिकॉज इस टाइप की वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सो गाइस अगर आप भी इस टाइप की वीडियो अपने नेम की या किसी और के नेम की आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो फुल वॉच कर लेना, बिकॉज आज की इस वाली वीडियो में मैं बिल्कुल गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, वो आप ये वीडियो फुल वॉच करना। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स सेट गो। ऑल राइट, सो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नेम है Alightmotion। गाइस इस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले करने के होगा आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा प्लस का, सो गाइस आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको जिस भी रेशियो में आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना रेशियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज मैं यहाँ पर रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ 4:5 वाला। ठीक है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट का, तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड इमेज वीडियो में चले जाना है। तो एक इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर ये इमेज ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद सिंपली नीचे की साइड यहाँ पर आपके सामने एक ओपन आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा मूव ट्रांसफॉर्म का, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड गाइस आने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसको जूम कर लेना है। ठीक है, आपको जूम करने के बाद अब आ जाना है आपको बैक। एंड गाइस बैक आ जाने के बाद आपको इसकी लेयर को बढ़ा लेना है। ठीक है, जितना बड़ा वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसकी लेयर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गाइस मैं इसकी लेयर को यहाँ पर 14-15 सेकंड तक यहाँ पर इसकी लेयर को कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं मैंने 14 यहाँ पर 15 सेकंड तक इसकी लेयर को यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अब आपको फिर से प्लस पर क्लिक करना है एंड वीडियो में चले जाना है। तो एक वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सिंपली उस वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज मैं यहाँ पर ये वाला वीडियो इसमें ऐड कर लेता हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर ये वीडियो ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, अब आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आप इसको छोटा कर लेना है। एंड छोटा करने के बाद अब इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसको रोटेट कर लेना है। ठीक है, आपको रोटेट करने के बाद अब आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको इसको फिर से छोटा कर लेना है। एंड छोटा करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसमें बीच में यहाँ पर ये एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, आपको इसमें बीच में ही ये एडजस्ट कर लेना है एंड सही से आपको इसको यार इसमें सही से एडजस्ट कर लेना है। एंड एडजस्ट करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा और मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड गाइस रोटेट करने के बाद आपको करना क्या होगा, मैं इसको गाइस यहाँ से थोड़ा सा और इनक्रीज कर देता हूँ। तो अब आ जाना है आपको बैक। एंड बैक आने के बाद आपको करना क्या होगा, अब आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है लाइटन पर। एंड लाइटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे आप लोग देख ही सकते हैं ये यहाँ पर इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको कट कर लेना है, तो मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर देता हूँ। तो अब फिर से आपको इसकी लेयर में स्टैंडिंग में आ जाना है एंड अब आज करना क्या होगा, आपको प्लस पर क्लिक करना है। एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ एंड ए पर क्लिक करने के बाद आपको रोबोट रेगुलर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसमें पेजी वाला फॉन्ट इसमें आपको ऐड करना है। और गाइस अगर आपके Alightmotion में ये फॉन्ट नहीं आ रहा है तो इस फॉन्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस फॉन्ट को ऐड Alightmotion में ऐड कर सकते हैं। और गाइस अगर आपसे Alightmotion में फॉन्ट ऐड करना नहीं आता है तो मैंने गाइस इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको नीचे
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करना क्या होगा, अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरह से करके आपको इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको करना क्या होगा, अब आपको मूव फिर से आपको मूव ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद आपको फिर से इसको इस तरह से करके आपको इसको रोटेट कर लेना है, ठीक। आपको कुछ इस तरह से करके यहाँ पर आपको इसको लगा देना है। एंड आपको अगर आप इसको थोड़ा और इनक्रीज बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, अब आपको फिर से बैक आ जाना है। एंड गाइस बैक आ जाने के बाद आपको इसकी लेयर को भी एंड तक कर लेना है। एंड करने के बाद अब फिर से आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसको ट्रांसपेरेंट यहाँ पर कर लेना है। अब करना क्या होगा, जब आपको फिर से बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा बॉर्डर एंड शैडो का, तो आपको बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक कर देना है। एंड आपको इसकी स्ट्रोक को यहाँ पर ऑन कर देना है। आपको इसकी स्ट्रोक को यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। एंड वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद अब आ जाना है आपको बैक। एंड बैक आने के बाद अब करना क्या होगा, अब गाइज़ आपको इफेक्ट में जाना है। एंड आपको एड इफेक्ट में चले जाना है, ठीक है। तो आपको ड्राइंग एड्स में चले जाना है। एंड आपको इसमें यहाँ से ड्राइंग एड्स प्रोग्रेस वाला आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है। प्लस स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख ही सकते हैं इसमें इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो अब करना क्या होगा, आपको एंड पर क्लिक करना है। एंड आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है। एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसको जीरो कर लेना है। एंड जीरो करने के बाद आपको उसकी लेयर से थोड़ा पहले आ जाना है। एंड पहले आने के बाद जो हमने जीरो किया था, अब उसको गाइस आपको 100 कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से ये सही से देख लेना है, जैसे जैसे गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसा ही कर लेना है, ठीक है। एंड करने के बाद अब सिंपली करना है क्या होगा, आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको एक इसमें लायरेक्स वीडियो इसमें ऐड कर लेना है। तो इस लायरेक्स वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सिंपली करना क्या होगा, आप लोग देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर ये लायरेक्स वीडियो इसमें ऐड कर दी है। तो करना क्या होगा, अब आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसको छोटा कर लेना है, ठीक है। आपको छोटा करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से करके आपको इसको यहाँ पर रोटेट कर लेना है। एंड रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड आपको फिर से यार थोड़ा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड करने के बाद अब करना क्या होगा, आपको अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिर मैं इसको सही से यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ। एंड रोटेट करने के बाद आपको अपने हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एंड एडजस्ट करने के बाद अब जाना आपको बैक। एंड अगर बैक आ जाने के बाद आपको फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड लाइटन पर जाने के बाद आपको स्क्रीन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद अब जाना आपको बैक। एंड बैक आने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपको कट कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पार्ट है जो वो कट कर देता हूँ, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपको कट कर लेना है। तो सो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं हमारा स्टेटस यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। तो मैं एक बार ये वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइज आप लोग देख ही सकते हैं हमारा स्टेटस जो है वो कितना यहाँ पर मस्त लग रहा है, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है, कितना बिल्कुल ओशम सा लग रहा है गाइज, आप लोग देख ही सकते हैं। सो गाइज अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ये वीडियो गाइज आपकी गैलरी में सेव, गाइज आप इस वीडियो को कहीं और भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में मुझे गाइज बस आपको यही सिखाना था। होप करता हूँ कि भाई आप सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।